जेसीबी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसका टायर बर्स्ट हो गया था, तो उसमें हम लोगों ने मदद किया उन लोगों का, और रात भर चला है, जेसीबी चली है। चैलेंजिंग टास्क यही है कि मलबा जो डेब्रीज अंदर फंसा हुआ है, अब वो ज़्यादा निकल के बाहर आ रहा है। अब जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं एनटीपीसी के, वो ये कह रहे हैं कि अब थोड़ा रिस्की है, अंदर से पानी का बहुत तेज़ बहाव हो सकता है, तो आगे रहने किसी को अंदर जाने का उन्होंने अभी थोड़ा मना किया है। सिर्फ मशीन ही धीरे धीरे जाके जितना हो सके वो मलबा निकालेंगी। ये बहुत टीडियस प्रोसेस है, ये लंबा चलेगा, तो पहले वो मलबा निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये भी है, उसके मलबे के जो पीछे वो कह रहे हैं पानी का रिसाव होती है, तो वो वाला एक्चुअली जो नॉर्मल टाइम्स में भी अंदर जब काम होता है तब पंप्स लगाया जाता है पानी को निकालने का, तो अब वो पानी का बहने का कहीं रास्ता नहीं है क्योंकि इतना सारा मलबा अंदर चला गया। तो मलबे के जो ये है एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं मलबे के पीछे बहुत ज़्यादा पानी होगा, और अगर कहीं इन्होंने ज़्यादा वो कर दिया तो पानी का बहाव बहुत तेज़ी से बाहर आएगा, तो उसका थोड़ा हमको ध्यान रखनी पड़ेगी।